हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल फंडामेंटल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स सर्किट को आप किस तरह से मल्टीप्लेक्सर की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हो या बना सकते हो। ओके, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स विथ मल्टीप्लेक्सर्स। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है, इंप्लीमेंट द गिवन फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। And the function is function A with variable ABC is equal to sigma small m and the given min term is 0, 2, 9, 7। Okay? इस function को हमें multiplexer की मदद से implement करना है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी मल्टीप्लेक्सर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम था, इसमें सिर्फ इस वेरिएबल्स को और इस मिन टर्म को इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास तीन इनपुट वेरिएबल है, ए बी एंड सी। तो जो भी हमारे इनपुट वेरिएबल होंगे, उसे हम डायरेक्टली या तो सिलेक्टर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास वेरिएबल्स सिलेक्टर से ज्यादा हो तो आप सिलेक्टर प्लस इनपुट में भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे हमारे पास जो मिनटम है उसमें सबसे बड़ा जो मिनटम है वो है 7। ओके, और 7 को अगर आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो इसकी वैल्यू होगी 111। यानी कि 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ तीन ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे पास यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं, ए बी और सी। ओके, तो इन तीनों वेरिएबल को हम डायरेक्टली एक मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्टर के रूप में इंडिकेट करेंगे। ओके, हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम जो मिनटम है वो 7 है, यानी कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर 8JAM1 का यूज करना पड़ेगा। तो हम जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम था मल्टीप्लेक्सर का वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा 8JAM1 का मल्टीप्लेक्सर, जिसमें इनपुट हो गए D0 से D7। तो मैं यहाँ पे जल्दी से सभी इनपुट सिग्नल को इंडिकेट कर देता हूं। ये हो गए इनपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि D0 से D7 हमारे इनपुट सिग्नल यहाँ पे है। और हमारे पास तीन सिलेक्टर पिन है, तो हम सिलेक्टर पिन को यहाँ पे रख देते हैं, सिलेक्टर पिन S0, S1 एंड S2। ओके, तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे हमारी सिलेक्टर लाइंस, जो कि हमारे इनपुट वेरिएबल्स है A, B और C। और आपको यहाँ पे 8JAM1 मल्टीप्लेक्सर में एक आउटपुट मिलेगा जो कि होगा Y, और फंक्शन F विथ वेरिएबल ABC। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी इनपुट वेरिएबल दिए गए थे उसे डायरेक्टली सिलेक्टर में यूज कर लेना है। तीन इनपुट वेरिएबल है, इसलिए आपको 2:3 यानी कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। जो 8 कॉम्बिनेशन है वही आपके D0 से D7 डेटा लाइन्स है। इस 8 डेटा लाइन से आपको कोई एक आपको हमारे इनपुट लाइन के कॉम्बिनेशन से कोई वन इनपुट आपको आउटपुट होता हुआ दिखेगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे मिनटर्म्स दी गई है, इस मिनटर्म्स को डायरेक्टली इसमें रिप्रेजेंट करना है। जो भी मिनटर्म है इसकी वजह से आपको आउटपुट में आउटपुट फाइनल एफ इज इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी कि एक्टिव हाई मिलेगा। तो जो भी हमारे पास मिनटर्म है उसे डायरेक्टली 1 से इंडिकेट करना है। तो फर्स्ट मिनटम है 0, तो 0 की जगह पे हम लिखेंगे 1। नेक्स्ट मिनटम है 2, तो 2 की जगह पे भी हम रखेंगे 1। यानी कि इन सभी मिनटम की वजह से आपको आउटपुट 1 मिल सकता है। नेक्स्ट मिनटम है 6, तो 6 की जगह पे हम फिर से 1 रखेंगे। और लास्ट वन मिनटम है 7, तो इसकी जगह पे भी हम 1 रखेंगे। इन सभी मिनटम की वजह से आपका आउटपुट y है वो 1 मिल सकता है। रिमेनिंग जो भी मिनटम है उसकी वजह से आपको आउटपुट 0 मिलेगा, यानी कि हम सभी रिमेनिंग मिनटम्स को 0 कर देते हैं। ओके, अभी फाइनल डायग्राम में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके 1 वाले मिनटम है उन्हें डायरेक्टली 1 से कनेक्ट कर देना है, या लॉजिक 1 से एक्टिव हाई से कनेक्ट कर देना है, और जो भी मिनटम 0 से इंडिकेट किए गए हैं उन सबको डायरेक्टली कनेक्ट करके ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ से जो 10 लिखे थे उसे रिमूव कर देता हूँ और दो और लाइन ऐड कर देता हूं, जिसमें से एक लाइन होगी लॉजिक 1 के लिए। तो यहां पे आएगा लॉजिक 0, और
बाकी जो मिन टर्म है उन्हें डायरेक्ट कनेक्ट करके आपको ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया जीरो। तो इस तरह से आप 8 जैम 1 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके ये जो आपका फंक्शन था, इस लॉजिकल फंक्शन को एक कॉम्बिनेशनल सर्किट से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल डायग्राम होगा जिसमें आपने 8 जैम 1 मल्टीप्लेक्सर से एक लॉजिकल फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय गिवन ट्रूथ टेबल यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। और ट्रुथ टेबल आपको कुछ इस तरह से दिया गया है जिसमें 3 इनपुट वेरिएबल है ए बी एंड सी और एक आउटपुट फंक्शन है वाई। 3 इनपुट सिग्नल है यानी कि आपको 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। 0 0 0, 0 0 1, देन 0 1 0, देन 0 1 1, देन 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ये हो गया आपके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस और आपको आउटपुट उसमें से मिल रहा है फर्स्ट 0, सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए 1, थर्ड कॉम्बिनेशन के लिए 1, फोर्थ कॉम्बिनेशन में 0, फिफ्थ कॉम्बिनेशन में 0, 1 0 1। ओके, और इस ट्रुथ टेबल की मदद से हमें जो फंक्शन मिलेगा उस फंक्शन को हमें एक मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना है। तो जो कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था वही हमें करना है। यहाँ पे 3 इनपुट वेरिएबल है यानी कि हमारे पास 3 सिलेक्टर लाइन है। तो अगर हमारे पास 3 सिलेक्टर लाइन है तो इनपुट कितने होंगे? 2 रेस टू 3 एंड इज इक्वल टू 8। यानी कि हमें 8 जैम 1 का एक मल्टीप्लेक्सर चाहिए जिसमें 3 सिलेक्टर लाइन होंगी, 8 डेटा लाइन होगी और एक आउटपुट सिग्नल होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम था मल्टीप्लेक्सर 8 जैम 1 के लिए वो फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया 8 जैम 1 का मल्टीप्लेक्सर जिसमें आपके पास 8 अलग अलग आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, 0 1। टू थ्री फोर फाइव 6 एंड 7। ओके, इस तरह से आपके पास 8 अलग अलग इनपुट सिग्नल्स है। ओके, D0 टू D7 और हमारे पास 3 सिलेक्टर लाइन है S0, S1 एंड S3 जिसको हम 3 वेरिएबल से इंडिकेट करेंगे जो कि हमारे पास 3 इनपुट वेरिएबल है वही है A, B एंड C एंड C। ओके, और हमारे पास एक आउटपुट सिग्नल है जो कि है Y जो आपको इस 8 इनपुट सिग्नल में से कोई एक आउटपुट में मिलेगा बेस्ड ऑन दी सिलेक्टर लाइन। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी आउटपुट 1 है, जो भी आपका मिन टर्म की वजह से 0 0 1 की वजह से यहाँ पे आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, नेक्स्ट 1 मिन टर्म है 0 1 0 जिसकी वजह से आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, जितने भी कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपको आउटपुट 1 मिल रहा है उन सभी मिन टर्म्स को आपको 1 से कनेक्ट करना है और बाकी रहते हैं जो भी रिमेनिंग है उसे आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था इस फंक्शन को लिख लेते हैं, फंक्शन विथ वेरिएबल ए बी एंड सी एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलेगा D0, यहाँ पे D1, D2, D3, 10, D4, D5, D6 एंड पे D7। ओके, तो हमारे पास जो D1 इसकी वजह से आपको आउटपुट 1 मिल रहा है तो यहाँ पे सिग्मा एम और एम डी वन यानी कि 1। नेक्स्ट है डी टू की वजह से आउटपुट 1 हो सकता है तो यहाँ पे रखते हैं 2। ओके, तो देन है डी फाइव में आपको आउटपुट 1 मिल रहा है तो 1 मिल रहा है 5 आपको और D7 की वजह से आउटपुट 1 मिल रहा है इसलिए 7। ओके, तो ये हो गया हमारा इनपुट सिग्नल एम टू जिसकी वजह से आपको आउटपुट वाई से 1 मिल सकता है। ओके, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास मिन टर्म है जिसकी वजह से आउटपुट 1 मिल रहा है उन सबको लॉजिक 1 से कनेक्ट करना है और जो भी रिमेनिंग मिन टर्म्स है D0, D3, D4 एंड D6 उन्हें ग्राउंड से कनेक्ट करना है। ग्राउंड से तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिसे हम बोलेंगे लॉजिक 1। तो लॉजिक 1 को आपको कनेक्ट करना है D0 से, देन D2 से, D2 से, देन D5 से एंड D7 से। ओके, तो ये हो गया
फिर जो रिमेनिंग मिन टर्म्स है उन्हें आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड टर्मिनल, ओके, और रिमेनिंग टर्मिनल भी ग्राउंड हो गए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी लॉजिकल फंक्शन और कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन को आप एक मल्टीप्लेक्सर की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, इंप्लीमेंट द बुलियन फंक्शन यूजिंग 4 gem 1 मल्टीप्लेक्सर। अभी आपको इसमें मल्टीप्लेक्सर का टाइप भी बता दिया है, इंप्लीमेंट फोर जेम वन मल्टीप्लेक्सर, ओके, एंड द फंक्शन इज गिवन एज फंक्शन एफ विथ वेरिएबल ए बी एंड सी इज इक्वल टू सिग्मा एम एंड द मिन टर्म्स आर 1, 3, 5 एंड 6, ओके। आपको इस एग्जांपल में डायरेक्टली बोल दिया गया है कि 4 gem 1 मल्टीप्लेक्सर से ही आपको इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 gem 1 मल्टीप्लेक्सर है, तो पहले 4 gem 1 मल्टीप्लेक्सर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम है उसे ड्रॉ कर लेते हैं, 4 gem 1 मल्टीप्लेक्सर, ओके। 4 gem 1 मल्टीप्लेक्सर यानी कि आपके पास 4 इनपुट सिग्नल हो गए, तो मैं यहाँ पे 4 इनपुट सिग्नल ड्रॉ कर लेता हूँ और एक आउट फंक्शन को, तो मैं यहाँ पे एक आउटपुट सिग्नल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, और 4 इनपुट सिग्नल है तो 2 raised to 2 इज इक्वल टू आपको 4 मिलता है, यानी कि 2 raised to जो भी पावर होगा इतनी आपको सिलेक्टर लाइन चाहिए। तो यहाँ पे 2 raised to 2 है तो आपको 2 सिलेक्टर लाइन चाहिए, तो यहाँ पे हम रखते हैं S0 और S1, ओके, जो कि सिलेक्टर लाइन है। यहाँ पे आपको इनपुट सिग्नल है D0, D1, D2 एंड D3 और आउटपुट सिग्नल मिलेगा Y, ओके। अभी हमें क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन में 3 वेरिएबल है A, B एंड C, सिलेक्टर लाइन हमारे पास सिर्फ 2 ही है S0 एंड S1, तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल यहाँ पे रख देंगे C एंड B, 2 वेरिएबल हमने यूज कर लिए है। अभी हमारे पास एक वेरिएबल एज इट इज है, ओके, जिसे हमें यूज करना है, तो हम उस वेरिएबल को या तो सिलेक्टर लाइन में या तो इनपुट सिग्नल में यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी इनपुट सिग्नल है उसमें ए वेरिएबल को यूज कर लेंगे, और इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, पहले जो आपके पास इनपुट सिग्नल है D0, D1, D2 और D3 उन्हें एज इट इज लिख दो, फिर क्या करो, जो भी आपके पास कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे रख दो। तो आपके पास 4 अलग अलग इनपुट सिग्नल है, इसके लिए आपको कॉम्बिनेशन 0 से 7 मिल सकते हैं, यानी कि 8 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन आपको मिल सकते हैं उस 8 कॉम्बिनेशन को आपने इस तरह से रखने हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जो रिमेनिंग जो वेरिएबल है ए उसका एक कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ लिखना है सिर्फ ए, ओके, यानी कि यहाँ पे जो आपका मेन लॉजिक होगा ए का वो एज इट इज, और यहाँ पे मेन लॉजिक ए का है उसका कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या करना है, जो भी आपके पास यहाँ पे मिन टर्म है उसके उस नंबर पे आपको राउंड सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि फर्स्ट हमारा मिन टर्म है 1, तो हम क्या करेंगे, 1 के ऊपर यहाँ पे एक राउंड सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट मिन टर्म है 3, तो उस पे भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट मिन टर्म है 5, तो 5 पे भी एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और लास्ट वन मिन टर्म है 6, तो 6 पे भी हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके पास इनपुट्स है उसे लिख लेने हैं, फिर आपके पास मैक्सिमम यहाँ पे 3 इनपुट सिग्नल है जिसे आपको 0 से 7 टोटल 8 कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। तो हमने जो भी कॉम्बिनेशन थे उन्हें यहाँ पे लिख दिया है 0 से 7 टोटल 8 कॉम्बिनेशन। फिर जो भी आपके पास रिमेनिंग वेरिएबल था उस वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट के साथ और बिना कॉम्प्लीमेंट के लिखना है, तो हमने लिख दिया, ओके। अभी हमें क्या करना है, फाइनल स्टेप, अभी हमें क्या करना है, जो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाया था जिसमें 4 कॉलम और 2 रो थी, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इनपुट सिग्नल पे आपको क्या वैल्यू मिल सकती है। अगर किसी एक इनपुट सिग्नल में एक भी सर्कल नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ D0 लिखा, तो D0 के इनपुट में हमारे पास एक भी सर्कल नहीं है, ओके, तो उन्हें वैल्यू देनी है 0, ओके, यानी कि D0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो ये हो गया 0। अगर आपके पास कोई मिनटम ऐसा है, कोई एक इनपुट ऐसा है जिसमें 2 सर्कल आ रहे हैं, ओके, ए का कॉम्प्लीमेंट उसमें भी सर्कल और ए उसमें भी सर्कल, तो अगर आपको पता हो तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
वन होगा। ओके, तो अगर दोनों पॉसिबिलिटीज पे आपको सर्कल मिल रहे हैं तो उसे आपको रिप्रेजेंट करना है वन से, क्योंकि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन होता है। तो हम यहां लिख लेंगे ए डी वन इज इक्वल टू वन। अगर कोई एक ऐसा इनपुट सिग्नल है जिसमें एक ही पॉसिबिलिटीज पे सर्कल है तो डायरेक्टली जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज है उसकी रो लिखनी है। तो यहाँ पे आपकी रो है ए, तो आपको यहाँ लिखना है ए। और यहाँ पे एक सर्कल है जिसमें आपकी रो है ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, फिर से पूरा जो मेथड है वो समझ लेते हैं, प्रोसीजर पूरा समझ लेते हैं। जो भी आपके पास इनपुट सिग्नल है उसे एज इट इज लिखने हैं। फिर आपके पास जितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल 3 वेरिएबल है, तो पॉसिबिलिटीज 8 होगी 0 टू 7। तो 0 टू 7 आपको इस तरह से लिखने हैं, 0 1 2 3 रो में और दूसरी रो में 4 5 6 7, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हो गई। और जो भी आपके पास वेरिएबल बचा था उसे एक बार कॉम्प्लीमेंट से और एक बार बिना कॉम्प्लीमेंट से लिखना है। फिर क्या करना है, जो भी आपके पास क्वेश्चन में मिनटर्म दी गई थी उस मिनटर्म को लेकर आपको जो भी पॉसिबिलिटीज है उस पर सर्कल करने हैं। और फाइनल स्टेप में अगर आपके पास कोई इनपुट वेरिएबल ऐसा है कि जिसमें एक भी सर्कल नहीं आ रहा है तो उसे जीरो से रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई ऐसा इनपुट है जिसमें दोनों इनपुट सिग्नल पे आपको सर्कल मिल रहे हैं तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वन होगा, तो उसे वन से रिप्रेजेंट करना है। अगर कोई ऐसा एक इनपुट सिग्नल है जिसमें एक ही सर्कल आ रहा है तो उसे आपको जो रो में वो सर्कल है उस रो से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे रो है ए और यहाँ पे रो है ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से। तो डी टू आपका होगा ए, यहाँ पे डी टू है ए, और डी थ्री की वैल्यू मिली हमें ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, तो इस तरह से आपका जो भी मल्टीप्लेक्सर है 4J1 का उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग 4J1 मल्टीप्लेक्सर। इस तरह से आप 8J1 मल्टीप्लेक्सर से भी कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लास्ट एक एग्जांपल फिर से देख लेते हैं जिसमें हमारे पास 8J1 मल्टीप्लेक्सर हो। ओके, तो 8J1 के लिए हमारे पास फंक्शन जो दिया गया था वो कुछ इस तरह से पूछें फंक्शन f विथ वेरिएबल a b c एंड d। इस फंक्शन को हमें 8J1 मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है 0 1 3 4 8 रिप्रेजेंट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, तो हम पहले क्या डायग्राम है उसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 8J1 मल्टीप्लेक्सर में आपके पास 8 इनपुट सिग्नल है, 1 2 3 4 5 6 8 इनपुट वन एंड इनपुट 8 इनपुट हम रिप्रेजेंट 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक हमारे पास आउटपुट सिग्नल 4 5 6 और यहाँ पे हम लेते हैं 4 अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन ए बी एंड डी। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन है करेंगे उसमें से सिर्फ 3 ही यूज करेंगे। ओके, क्योंकि हमें 8J3 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो उसमें से 3 को हम सिलेक्टर में यूज करेंगे और एक को इनपुट में यूज करेंगे। तो ये हो गए सिलेक्टर S0, S1 एंड S2। ओके, तो ये हो गया हमारा 8J1 का मल्टीप्लेक्सर जिसमें 8 इनपुट सिग्नल है और एक आउटपुट सिग्नल है। अभी हमारे पास जो इनपुट सिलेक्टर लाइन है इसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं बी सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास जो भी मिनटर्म दी गई है उस मिनटर्म को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए जो भी आपके पास D0 टू D7 आपका जो इनपुट सिग्नल है उसे रिप्रेजेंट कर दो। तो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, ये हो गए हमारे इनपुट सिग्नल्स। फिर हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक वेरिएबल बाकी था उसे रो में इंडिकेट करना है। ये हो गया ए कॉम्प्लीकेट करना ए। अभी हमारे पास 4 इनपुट सिग्नल है जिसकी वजह से आपको 2^4 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15।
यानी कि 0 to 15 आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी मिनटम हमें क्वेश्चन में दी गई है उस पर राउंड और सर्कल इंडिकेट करना है। तो फर्स्ट मिनटम है 0, तो उस पर आप सर्कल कर सकते हो। 1, तो 1 पे भी एक सर्कल बनाओ। नेक्स्ट है 3, तो 3 पे भी एक सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट है 8, तो 8 पे भी एक सर्कल बनेगा। और 9, और लास्ट वन है 15, तो 15 पे भी एक सर्कल बनाना है। ओके, तो इस तरह से आप जो भी आपके वेरिएबल है, एक 4 पे बाकी है, तो ये हो गया 4 पे। ओके, तो जितनी भी आपके पास मिनटम है उस पर आपको इस तरह से सर्कल बनाने हैं। फिर लास्ट और फाइनल स्टेप, जो भी इनपुट वेरिएबल है जिसमें 2 सर्कल आ रहे हैं, तो यहाँ पे होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, यानी कि आपको आंसर मिलेगा 1। यहाँ पे D1 में भी 2 सर्कल है, तो यहाँ पे भी आएगा 1। D2 में एक भी सर्कल नहीं है, तो हम लिखेंगे 0। D3 में एक ही सर्कल है, यानी कि जो आपकी रो है वही आपका फाइनल इनपुट सिग्नल बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे एक भी सर्कल नहीं है, तो इनपुट 0, यहाँ पे भी 0। और D7 में एक सर्कल है, तो आपका इनपुट सिग्नल होगा ए। तो हमें सभी इनपुट सिग्नल की वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे इनपुट सिग्नल है उस इनपुट सिग्नल से हमारे डायग्राम में इंडिकेट कर लेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पहले इसे इरेज कर देता ताकि हम यहां पे डायग्राम में ड्रॉ कर सके। तो पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो भी हमारे इनपुट सिग्नल है उसे लिख लेते हैं। D0 होगा हमारा 1, D1 होगा 1, D2 होगा 0, D3 होगा A कॉम्प्लीमेंट, D4 होगा A कॉम्प्लीमेंट, D5 0, D6 0, और D7 होगा A। ओके, और यहाँ से मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ ताकि हमें जो इनपुट सिग्नल ऐड करने हैं वो उसे यहाँ पे ड्रॉ कर सके। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी इनपुट सिग्नल 1 है उसे 1 से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लॉजिक 1, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम बोलेंगे ग्राउंड। ओके, तो आपकी जो भी इनपुट सिग्नल है 1 उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा D0 1, देन D1 भी 1 से कनेक्ट होगा, तो ये हो गया 1। फिर D0 है, वो D0 है 0। फिर है D2, तो D2 को आपको ग्राउंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आप ग्राउंड से कनेक्ट कर सको। ओके, तो ये हो गया ग्राउंड। देन D3 आपका A कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम बोलेंगे A कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हो गया A और A कॉम्प्लीमेंट। ओके, यहाँ पे आपको A सिग्नल दिया गया है, तो आपको नॉट गेट के बाद में A कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ओके, तो 3 नंबर को आपको A कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना है, देन 4 नंबर को भी आपको A कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना है। नेक्स्ट वन है 5, तो 5 को आपको डायरेक्ट ग्राउंड कर देना है। तो यहाँ पे 5 D5 ग्राउंड है। ओके, D6 भी ग्राउंड है, तो आपको D6 को भी ग्राउंड करना है। D7 A से कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, D7 को A से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया A। ओके, तो इस तरह से आपका एक 8GEM1 का मल्टीप्लेक्सर बनेगा जो कि इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी लॉजिकल फंक्शन है इसे एक 8GEM1, 4GEM1 के मल्टीप्लेक्सर से इंडिकेट कर सकते हो। मोस्टली जो हमारे मल्टीप्लेक्सर होते हैं, इस मल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन क्या होती है, जहाँ भी मल्टीपल डेटा होता है, मल्टीपल डेटा सिग्नल्स होते हैं, उसमें से अगर आप कोई एक ही डेटा सिग्नल को यूज़ करना चाहे तो वहाँ पे आपका मल्टीप्लेक्सर यूज़ होगा। जैसे कि आपके पास कोई एक DVD प्लेयर है जिसमें आप मल्टीपल, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिक्सर है, ऑडियो मिक्सर, जिसमें आपके पास बहुत सारे इनपुट सिग्नल, ऑडियो इनपुट सिग्नल आ रहे हैं, और आपको उसमें से कोई एक ही सिग्नल यूज़ करना है, तो आप उस जगह पे मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर सकते हो। ओके, बहुत सारी कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसी होती है जिसमें आपको मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके,